सूरा मेरे मज पम्मा डठण बिर मनी सिखा पधिंग समाधियानी। बर्बादी का कारण है मुख्य हमारे देश का, हम सभी लोगों का, हम सभी एससी एसटी ओबीसी का, सभी लोगों का, वो मुख्य जो है वो जाति ही है। जिस भ्रम जाल में हमको फंसाया गया है कि आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका सरनेम ये है और फलाना ढिमका ये, तो जानते सभी थे इस बात को कि हाँ ये हमारे लिए सम्माननीय नहीं है जो हमें दिया गया है, जो हमें बनाया या बनाने जाने की कोशिश की गई है वो उतना सम्माननीय नहीं है। फिर भी हम अपने से चिपका के उस चीज को घूम रहे थे। तो ये मैं बहुत पहले से सोचती थी ऐसा कि संघ से जुड़े हैं तो संघ में तो ये कॉन्सेप्ट है ही है कि जाति अभ्यास हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत पहले से ये चीज आती थी कि लोग कहते थे हम फलाना ये हैं तो हम अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, हम ये मतलब हम अपने आप को हम इस जाति से बिलोंग करते तो हम नीचा क्यों फील करें, हम तो प्राउड फील करें कि हम ये हैं। लेकिन ये भी एक तरह का भ्रम ही था, मुझे ऐसा लगता था कि आप चाहे कुछ भी कर लें जाति से मुक्ति नहीं मिल सकती, आप चाहे अपने आप को प्राउड फील करें या कुछ और फील करें, इसके लिए संघर्ष खुद करना पड़ेगा। अपने आप को सम्मान उसी व्यक्ति का होता है जो खुद को सम्माननीय समझता है। तो खुद को पहले सम्मान देना हमें जरूरी है कि हम किसी जाति विशेष से नहीं, हम फलाना ये प्रोफेशन में हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, हमारा काम ही अगर हम इनके अनुसार भी चलें तो हमारा काम ही हमारी जाति बना दिया गया था, तो ना हम वो काम कर रहे तो हम उस चीज को क्यों ढोएंगे, क्यों अपने अंदर गिल्ट फील करेंगे कि हम फलाना जाति से रिलेटेड हैं। और हम अपने फॉर्म के अंदर भी भरते हैं कि मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, उस कैटेगरी में आता हूँ, तो इस चीज को थोड़ा सा मुझे लगता है कि माइंड वर्कअप करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडर्न सोच से हमें आगे सोचना पड़ेगा कि अब तक हम लोगों ने जो झेला वो तो ठीक था, चलो टॉलरेट किया, स्कूल्स कॉलेज जॉब सब जगह, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं ये चीज झेलनी चाहिए। जहां जैसे ही जाति का पता चलता है व्यक्ति को, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या किसी भी ओहदे पे हो, उसका कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे गिर जाता है कि फलाना अच्छा इस कास्ट को बिलोंग करते हो। तो जिस चीज से हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो हम अपने आप को किस बात का प्राउड फील करें, किस बात से कहें कि हम बहुत ही सम्माननीय है, हम ये हैं, हम वो हैं। तो इस भ्रम से बाहर निकलते हुए हम जाति अभ्यास को नहीं दोहराना चाहिए और इसको यही त्यागने का अभ्यास करना चाहिए कि जाति अभ्यास ना करते हुए हम उसे त्यागें कैसे, कैसे अपनी मानसिकता से अलग हटा दें कि ये हमारे काबिल ही नहीं है, हमारा प्रोफेशन ही हमें सम्मान दिलाएगा, हमारा प्रोफेशन ही हमें एक पहचान दिलाएगा। तो अगर प्राउड ही फील करना है तो यू शुड गो दैट साइड कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मुझे अपने प्रोफेशन का कॉन्फिडेंस है, मैं सम्माननीय हूँ, कहता हूँ, ना कि जाति। और बाबा साहब ने तो कहीं भी किसी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी जातिता को बात नहीं की, जबकि उन्होंने सारी जातियों को खत्म करके एससी एसटी ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। तो इस चीज को समझते हुए हमें इस चीज को समझना होगा और संघ ने भी ये बात कही है, एक्सेप्ट किया है कि हम सबको एक होना है, यूनाइट होना है, जातिवाद के चक्कर में नहीं फंसना है। जिस दिन हम ये जातियां खत्म कर देंगे, जिस दिन हम आपस में शादियां करना शुरू कर देंगे एससी एसटी ओबीसी जो इनके अकॉर्डिंग सभी शूद्र तबके में आते हैं, तो फिर हम बहुत ही पावर में आ जाएंगे, मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी, लोगों के सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा। तो इनसे हमें चार कदम आगे चलना पड़ेगा। संघ इसकी तरफ बढ़ चुका है, ये जो
का कॉन्सेप्ट चल रहा है, 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं लगातार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तो मुख्य उद्देश्य यही है हमारा जुड़ने का, कि जुड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर हम अपनी बात से इतने लोगों को कन्विंस कर पाए कि देखिए आप आपस में यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो अपने आप में एक पावर बन जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से डरने की, भय खाने की। आज भी व्यवस्था वही है, जातिवादी। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं इस बात के लिए। अभी जो राजस्थान में जो घटना घटी है लेटेस्ट में, क्या था ये? हमारे समाज पर एक करारा थप्पड़ है कि हमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपको हिंदू बना देंगे, और जब आपका बच्चा अगर हमारी मटकी छूलेगा, जो व्यवस्था बाबा साहब के जमाने में थी आज भी वही है, कि अगर आपके बच्चे ने जरा सी भी कोशिश की इस व्यवस्था को लांघने की, तो उसका ये हर्ष होगा कि उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो अब तो जगने के मतलब, अब नहीं जगे तो कब जगोगे? आपके बच्चों को संघर्ष ही करना नहीं आएगा कि हमें इनसे कैसे लड़ना है, और इसी तरह वो खत्म कर दिए जाएंगे इस व्यवस्था के अंदर। तो अभी भी वक्त है, संघ आपसे बार बार इस बात की अपील कर रहा है। आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, आपसे कोई चंदा नहीं ले रहा, आपसे कोई और चीज नहीं ले रहा। थोड़ा समय समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बन गया है, और समय की ये मांग भी है कि हम जहां जहां पर भी हैं, जिस सिटी में भी हैं, जिस देश में भी हैं, जिस कंट्री में भी है, कहीं पर भी हैं, हम अपने लोगों को पहचान लें कि ये हमारे अपने हैं, और हमें अपने ही घर में वापसी करनी है। सारे SC ST OBC जब हम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो हम जब एक ही परिवार में जुड़ जाएंगे तो इनकी तो ताकत आधी हो जाएगी। तो इस चीज को सोचते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा बातों को प्रचारित करना है, जुड़ना है, जोड़ना है लोगों को। और जब जब हम ये मुहिम पूरी कर लेंगे तो टारगेट आगे बहुत सारे होते हैं। एक संघ जैसी जो हमारे ही बुद्धिज्म से ली हुई चीजों को आज पूरे देश पर कैप्चर करा हुआ है, संघ ने कब्जा किया हुआ है। जब वो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जो उनको मोहरा बैठाना होता है, जिसे राष्ट्रपति बनाना, जिसे जो बनाना है, वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। कोई भी उनका कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो यूनाइट है, वो जुड़े हुए हैं, वो हिंदुज्म के नाम पे जुड़े हैं। तो क्या हम बुद्धिज्म के नाम पे नहीं जुड़ सकते? जिसे बाबा साहब इतनी रिसर्च के बाद जो हमें कुछ दे के गए, हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है कि हमें हम सोचे कि हमारी मुक्ति किसमें होगी। हमें तो बाबा साहब बहुत दे के जा चुके हैं, लेकिन दिख हमें नहीं रहा। गलती हमारे अंदर है कि जो वो दे के जा चुके, जो हम बेवकूफों को वो समझाना चाहते थे, तो वो हम समझ ही नहीं रहे। जो वो 22 प्रतिज्ञा दे के गए, हम कितना फॉलो कर रहे हैं। हम तो कहीं ना कहीं हम उनकी बातों को डिनाई करते हैं, बाबा साहब को सिर्फ हम झूठा दिखाने के लिए कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवाद पर चलना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में हम बिल्कुल नहीं चलना चाहते। हम अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, और आपस में ही झगड़ बैठते हैं। अभी भी ये हाल है कि इस संघ के अंदर भी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, जुड़े हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों का क्लैश हो जाता है। समझना ही नहीं चाहते, सुलझाना ही नहीं चाहते अपनी बुद्धि और विवेक को, कि वो क्या चीज हासिल करना चाहते हैं, कि अलग से उनको एक अलग से प्रतिष्ठा मिले, या अलग से एक पद मिले, या अलग से उनको इंडिकेशन दिखे दूर से कि भाई वो फलाना है। तो जब तक अगर इसी बातों में पड़े रहे, तो फिर देखिए हालत वही है जो बाबा साहब के जमाने में थी, कि उनको भी मटकी नहीं छूने दिया जाता था। बाबा साहब पानी का इंतजार करते थे कि मुझे कोई पानी पिलाए तो मैं पानी पीऊं। आज भी वही व्यवस्था कायम है, बदला कुछ नहीं है। हम उनकी बदौलत थोड़ा पैसे में उड़ गए हैं कुछ लोग, तो सोच रहे हैं कि हम इस व्यवस्था से लड़ लेंगे, हमारे बच्चे लड़ लेंगे, लेकिन ये हमारा भ्रम है। जब उन्हें इस भ्रमता को तोड़ना होता है, तो वो सारी हदें पार करके इस तरह के रिजल्ट समाज में आने लग जाते हैं जिस तरह के आ रहे हैं। और फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल पकड़ लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि भाई हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध ऐसे तो नहीं होगा। विरोध को प्रदर्शित करने के लिए हमें उस चीज को तोड़ना पड़ेगा,
बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम यूनाइट हैं, हम जुड़े हुए हैं। अब हम दुबे कुचले नहीं है, जो आपका जो मन करे जैसे करे आप हमें प्रताड़ित कर देंगे और हम उस व्यवस्था के शिकार हो जाएंगे। तो कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा, प्रोटेस्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, जब तक उन्हें दुश्मन को ये डर ही नहीं होगा कि हम डरे किससे, ये तो खुद ही आपस में बिखरे हुए हैं, खुद ही दबे कुचले लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। उनको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको पता है कि हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही आपस में यूनाइट नहीं है, ये तो आपस में ही इनके विचार नहीं मिलते हैं, ये तो आपस में ही एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं और लड़ बैठते हैं एक दूसरे से। तो इस चीज को थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। जब बुद्धिजीवी लोगों ने, हर रोज रिसर्च चल रही है, हर रोज लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम, कुछ लोग आराम से सो रहे हैं अपने एसी में और कुछ लोगों के दिमाग में हर रोज विचार मंथन चलता रहता है। बाबा साहब, मैंने पढ़ा है पुस्तकों के अंदर कि वो रात भर सोते नहीं थे, वो सोचते रहते थे कि मैं अपने समाज को कैसे मुक्त करूं, कैसे मैं आजाद करूं, कैसे मैं इन्हें सम्मान दिलाऊं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विरासत में जो मिली हुई चीज को हमने तो तहस नहस करने की सोच लिया कि हम आपस में भिड़ लेंगे, आपस में ही लड़ लेंगे। तो क्या हम लोग नहीं सोच सकते कि हम कैसे जुड़े, कैसे हम यूनाइट हों, कैसे हमारे बच्चों को आजादी मिलेगी। अभी भी हम गुलाम हैं, हम गुलाम अभी भी हैं। आप ये इस बात को अपने दिमाग के भ्रम से निकाल दीजिए कि आप आजाद हैं, देश आजाद हो चुका है। नहीं, मैं नहीं मानती कि हम आजाद हैं, हमें, हम लिबरल हैं, हमें लिबर्टी मिल चुकी है। नो, जब गुलामी आपका कॉन्सेप्ट जब आता है तो आपको वो दिखाई देते हैं कि आप अभी गुलाम हैं, आप आजाद नहीं हैं, आप वही हैं जो वो सोचते हैं आपके लिए, उनके दिमाग में जो है। तो आपके लिए सोचेगा कौन? संगठनों ने जो किया, कम से कम हमें बाबा साहब का नाम तो याद रहा। तो हमें किसी की बुराइयां नहीं करनी है कि फलाना संगठनों ने ऐसा करा, ढिमका ने ऐसा करा, बुराइयों की तरफ जाना ही नहीं है हमें। हमें हर चीज से अच्छी चीजों को अडेप्ट करके हमें अपने लिए कुछ अच्छा चुनना है, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य का निर्माण करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ यही चीजों को कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी कि आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। हमें अपने संघ को इतना मजबूत कर लेना है कि चाहे भले ही हमारा सपना ही हो, सपने भी वही देखते हैं कि जिनको कुछ क्लियर हो कि सपना हम देख किस चीज का रहे हैं, तो सपना देखना भी अच्छा है। जो सपने भी नहीं देखते तो उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता कि वो तो गुलाम के गुलाम ही है। तो वो सपना जरूर पूरा होगा कि जिस तरह संघ का कब्जा इस देश के ऊपर है, कभी हमारे लोगों भी, हम भी यहाँ के हुक्मगुनार होंगे, इस देश पर हमारा भी राज होगा, हमारे बच्चे भी यहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सीएम तक तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि कोई फायदा नहीं, कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इनको गुलाम बना होता है, राष्ट्रपति को गुलाम बना देते हैं, सीएम को गुलाम बना देते हैं, इन्हें जिसको जैसे मोड़ना है वैसे मोड़ लेते हैं। तो ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, कुछ पैसा नहीं खर्च करना है और कुछ करना नहीं है, कहीं चंदा वंजा चंदा भी नहीं देना आपको, सिर्फ थोड़ा सा समय निकालना है, वो भी खुद के लिए निकालना है, खुद के लिए। आप इंडिविजुअल ये सोचिए कि ये जो हम ये मीटिंग्स दे रहे हैं, लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये संघ का, जो अम्बेडकर वादी बन रहे हैं अपने आप को, तो अम्बेडकर वाद बनने का टाइम है ये। अब तो सोचना ही पड़ेगा कि हम वाकई में अम्बेडकर वादी हैं। अम्बेडकर वादी से मतलब है कि जुड़ा हुआ बुद्धिज्म भी है साथ साथ। आपको विरासत में तो बहुत ही डायमंड चीज मिली हुई है, तो उसका हमें इस्तेमाल करना है कि जो हमारे बाबा साहब हमें देके गए हैं, हमें और उसी रास्ते पर चलना है। संघ ने रास्ता आपको दे दिया है, चलना आप लोगों को है, यूनाइट आप लोगों को। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है आप लोगों को, जो आपको
इस पर सिर्फ चलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, अपने आप में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लोग एकदम से घबरा जाते हैं और छोड़ के निकल लेते हैं कि अरे हमें समझ में नहीं आ रहा, हटो यहाँ से, ये भी ऐसा ही होगा, जैसे और थे वैसे ये भी वैसा ही होगा। तो और जगह आपने जो भी चीजें अपनी डिनाई करी, बर्बाद करी, समय बर्बाद करा, पैसा बर्बाद करा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ अपने लोगों से आपको जुड़ना है। तो बस मैं यही अपील करना चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि यहाँ कोई धोखा मिलने वाला है आपके साथ में, आपका पैसा, आपका जमीन, आपकी जायदाद, आपका कुछ भी हम बर्बाद करेंगे। आपको सिर्फ जुड़ना है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए। अगर बाबा साहब इतना करके चले गए तो हम क्या उस बताए हुए रास्ते पर जो संघ ने और उसको क्लीन कर दिया, रास्ता तो पहले से ही था, धूल मिट्टी जुड़ चुकी थी उस पर, गंदगी आ गई थी हमारी ही सोच की, तो उसको संघ ने साफ कर दिया है। संघ आपको रास्ता दिखा रहा है, चलना आपको होगा। पथ प्रदर्शन कुछ कुछ बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं, आपको उस रास्ते पर बस चलना ही तो है। तो बस मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जुड़िए और मुहिम को आगे चलने दीजिए। आगे देखते हैं कि क्या क्या अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके अंदर। और महिलाओं को जुड़ना, मैं विशेष तौर पे ये कहूंगी कि महिलाएं जरूर जुड़ें, महिलाओं को जरूर जुड़ना है। ऐसा नहीं करना कि उनके घर के सिर्फ पुरुष लोग वीडियो खोल लें और जुड़ जाएं और महिलाएं किचन में खाना बना रही हैं, डोंट माइंड ऑल, तो ये भी नहीं करना है। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी का तो एक अलग बात है, लेकिन मैं महिलाओं से, किसी देश की आजादी, किसी समाज की आजादी उस महिलाओं से जुड़ी हुई है, उस तबके से जुड़ी हुई है जिसे आज भी शूद्र समझा जाता है। तो इसीलिए हम अपनी बात को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। संगम नमामि, थैंक यू सो मच। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। द्वितीयं पि बुद्धं मे शरणं गच्छामि।